हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 3.2 पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 23। क्या कह रहा है? सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली। हमें क्या करना है, ये पेयर में जो देख रहे हैं ना लीनियर इक्वेशन दिए गए हैं, इनको हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है, यानी एक्स और वाई के वैल्यू फाइंड करना है ग्राफिकली, एंड सेट द रीजन बिटवीन टू लाइन्स एंड एक्स एक्सिस। तो इनका जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो दो लाइन्स फॉर्म होंगे, उन दो लाइन्स और एक्स एक्सिस के बाउंडेड जो रीजन होगा ना, एक्स एक्सिस से और टू लाइन से जो बाउंड्री रीजन होगा उसको सेट भी करना है। चलिए देखते हैं इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर में दिया हुआ है 2x + 3y = 12, ये फर्स्ट इक्वेशन है, और दूसरा है आपका x - y = 1। ठीक है, अब चलते हैं, यहाँ लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से देखिए क्या दिया है, 2x + 3y = 12। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, 2x = 12 - 3y, यानी x = 12 - 3y/2, यही ना हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर हम लोग पुट करते हैं यहाँ y = हम लोग पुट कर देते हैं यहाँ पर 4। ठीक है, तो x = में हो जाएगा 12 - 3 × 4/2। तो यहाँ देखो 12 और ये 12 सब करके 0/2 यानी कि 0 हो गया। ठीक है, चलिए अच्छा अब इसके बाद देखिए हम लोग इसमें पुट करते हैं y = मान लो हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं आपका 2, तो x = में क्या हो जाएगा 12 - 3 × 2/2। ठीक है, यानी ये 6 हो जाएगा, 12 में से 6 गया, 6/2 यहाँ कट के आपका 3 आ जाएगा। तो हमें यहाँ दो सॉल्यूशन निकल गए, इसके लिए हम लोग इसका यहाँ पर चार्ट बना लेते हैं। ठीक है, चलिए इसका हम लोग पहले चार्ट बना लेते हैं, फिर सेकेंड वाले क्वेश्चन को लेकर देखेंगे। ध्यान से देखिए एक्स वाई, जब हमने वाई का 4 पुट किया है तो एक्स का वैल्यू 0 आया है, वाई का 2 पुट किया है तो एक्स का वैल्यू 3 आया है। चलिए अब इसके बाद देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन से देखिए x - y = 1, यहाँ से x = में क्या आ जाएगा y + 1, पुट करते हैं y = 1, तो x = में क्या आ जाएगा 1+1 यानी कि 2 आ जाएगा। पुट y = 2 यानी x = में क्या हो जाएगा आपका 2+1 यानी कि 3 आ जाएगा। चलिए इसके लिए भी हम लोग इसका यहाँ पर चार्ट बना लेते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, हमने दो वैल्यू दो इसके सॉल्यूशन निकाले हुए हैं दूसरे वाले इक्वेशन के, उनके लिए मैं यहाँ पे इनका चार्ट बना रहा हूँ। एक्स वाई, हमने वाई का 1 पुट किया है तो एक्स का 2 मिला है, वाई का 2 पुट किया है तो एक्स का 3 मिला है। चलिए अब हम लोग इसका ग्राफ खींचेंगे यहाँ पर। चलिए तो ये ग्राफ पेज मैंने ले लिया है, यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है, और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ वाई एक्सिस। ठीक है, ध्यान से देखिएगा एक्स एक्स डैश वाई और यहाँ पर ये आपका वाई डैश, 1, 2, 3, 4, 5 काफी है, 1, 2, 3, 4, 5 -1, -2, -3, -4, -5, -1, -2, -3, -4, -5। देखिए अब इसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं, x का 0 और y का 4, ये ना हो जाएगा 0, 4। दूसरा आपका x का 3, y का 2, ये ना हो जाएगा। तो इन दोनों से होकर जाने वाला जो लाइन होगा ना वो कुछ इस तरह से होगा, ये ना हो जाएगा, देख लीजिए ऐसे ही जाएगा। चलिए अलग कलर रखते हैं। तो इसका इक्वेशन क्या है, इसका इक्वेशन है आपका 2x + 3y = 12। दूसरा देखिए x का 2 y का 1, ठीक है, x का 3 y का 2, तो 3 और 2 यही हो जाएगा। तो इन दोनों से होकर जाने वाले लाइन की बात करेंगे तो कुछ इस तरह से जाएगा लाइन, ये ना होगा जी, इन दोनों से होकर जाने वाला लाइन कुछ इस तरह से ही ना जाएगा। चलिए ध्यान से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए
तो हम लोग यहाँ पर दिखा देते हैं इसका इक्वेशन। यहाँ पर इसका इक्वेशन क्या था दूसरे वाले का, x माइनस वाई इक्वल टू वन, ठीक है, x माइनस वाई इक्वल टू में वन। तो दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, यही ना इसके वैल्यू हो जाएंगे, यानी यही इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे, x इक्वल टू में टू, x इक्वल टू में थ्री और y इक्वल टू में टू, x का थ्री y का टू आ गया। अब क्या कर रहा था कि दोनों लाइन्स, टू लाइन्स एंड x एक्सिस से जो बाउंडेड रीजन होगा उसको सेट करना है यहाँ पे, इसको इस तरह से सेट कर देना, इसको आप अच्छे तरीके से पेंसिल से सेट कर देना इस तरह, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसका हम लोग सेकेंड नंबर लेते हैं। सेकेंड नंबर में दिया हुआ है 3x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू जीरो, ये फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, और यहाँ 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू जीरो, ये आपका सेकेंड इक्वेशन ले लेते हैं। अब लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन से क्या होगा, यहाँ से हम लोग एक काम करते हैं 2y इक्वल टू में लिख देते हैं 4 माइनस का 3x, यानी कि y इक्वल टू में 4 माइनस 3x बाई में 2, यही ना हो जाएगा। चलिए अब इसके बात करते हैं, पुट x इक्वल टू में 0, तो y इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस 3 इंटू में 0 बाई 2, यानी 4 बाई 2 कट के यहाँ 2 आ जाएगा, ठीक है। चलिए पुट करते हैं x इक्वल टू में यहाँ पर 2, तो y इक्वल टू में 4 माइनस 3 इंटू में 2 बाई 2, तो 4 माइनस 6 बाई 2 यानी माइनस 2 बाई में 2, यहाँ आ जाएगा आपका माइनस का 1, और y का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका माइनस 1। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर इसका चार्ट बना लेते हैं, ठीक है। चलिए देख रहे ना, हम लोग इसका यहाँ चार्ट बना लेते हैं, x y, x का वैल्यू 0 पुट किया है तो y का वैल्यू 2 आया है, x का वैल्यू 2 पुट किया है तो y का वैल्यू माइनस 1 आया है। अब लेते हैं हम लोग दूसरे वाले इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन टू, इक्वेशन टू से देखिए यहाँ पर क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल टू में 7, सॉरी माइनस 7 इक्वल टू 0, यही ना है, इन दोनों को उधर जाएंगे तो 2x इक्वल टू में 3y प्लस 7, यानी यहाँ पे x इक्वल टू में आ जाएगा 3y प्लस 7 बाई 2, ठीक है। अब यहाँ पुट करते हैं, पुट y इक्वल टू में 1, ये 1 y इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो x इक्वल टू में हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 7 बाई 2 यानी 10 बाई 2 यानी 5 आ जाएगा। अच्छा अब पुट करते हैं y इक्वल टू में माइनस का 1, तो x इक्वल टू में हो जाएगा आपका 3 इंटू माइनस 1 प्लस 7 बाई 2, तो माइनस 3 प्लस 7 यानी कि आपका हो जाएगा 4 और y में 2 यानी 2 आ जाएगा x का वैल्यू। तो चलिए हम लोग इसके लिए भी इसका चार्ट यहाँ पर बना लेते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, x y, y का वैल्यू 1 पुट करने पे x का 5 आया है, और y का वैल्यू माइनस 1 पुट करने पे x का 2 आया है, ठीक है। चलिए अब इसके लिए हम लोग इसका यहाँ ग्राफ बनाते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर, यहाँ मैं ले लेता हूँ x एक्सिस, ठीक है, यहाँ पर हम लोग x एक्सिस ले लेते हैं, और यहाँ पर ले लेते हैं y एक्सिस, ठीक है। चलिए इस पर लिखते हैं x, x डैश, यहाँ y, और यहाँ पर y डैश। चलिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3। चलिए यहाँ पर देखिए, x का 0 और y का 2, ठीक है, 0 2, x का 2 y का माइनस 1, x का 2 y का माइनस 1, यहाँ हो जाएगा, समझ रहे ना। तो इन दोनों से होकर जाने वाले लाइन की बात करेंगे तो वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, यही ना होगा जी, बिल्कुल इसी तरह से जाएगा। और इसका इक्वेशन क्या है, तो इसका इक्वेशन हमारे पास ऊपर क्या है जी, 3x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। दूसरे वाले के लिए x का 5 y का 1, 5 1, फिर x का 2 y का माइनस 1, ये रहा 2 माइनस 1, ठीक है। चलिए तो इन दोनों से होकर जाने वाले लाइन की बात करें तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, यही ना होगा, ठीक है। चलिए
काफी है। इसका इक्वेशन क्या है? तो इसका इक्वेशन देखिए है 2x-3y-7=0, 2x-3y-7 में 0। तो हमें यहाँ से x का वैल्यू 2 मिल रहा है और y का वैल्यू -1 मिल रहा है। तो क्या कह रहा है कि दोनों लाइन और x एक्सिस से जो बाउंड्री रीजन है उसको शेडेड भी करना है। तो ये वाला रीजन होगा, ये वाला जिसको हम लोग यहाँ शेडेड कर दिए, यही ना रीजन होगा। चलिए समझ गए। चलिए अब हम लोग इसका थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर में देखिए दिया हुआ है 3x+2y-11=0 फर्स्ट इक्वेशन, और दूसरा है आपका 2x-3y+10=0, ये आपका इक्वेशन सेकंड हो गया। देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 3x+2y-11=0, तो यहाँ से 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 11 माइनस का 3x, ठीक है, और y इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 11-3x/2। चलिए अब हम यहाँ पुट करते हैं x का वैल्यू और y का निकालते हैं। पुट अगर हम लोग x इक्वल टू में रख दें आपका 1, तो y इक्वल टू में हो जाएगा 11-3×1/2, तो 3×1=3, 11 में से आप 3 घट सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 8/2 कट के आपका 4 आ जाएगा y का वैल्यू। अब पुट करते हैं हम लोग x इक्वल टू में, मान लो हम लोग पुट करते हैं 3, तो y इक्वल टू 11-3×3, 3×3=9 और /2, तो 11 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2/2 कट के यहाँ 1 आ जाएगा। तो इसके हमने दो सॉल्यूशन यहाँ निकाल दिए, तो इसके लिए मैं यहाँ पर इसका एक चार्ट बना लेता हूँ, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा, इसका ये एक मैं यहाँ चार्ट बना लेता हूँ, ठीक है। चलिए एक्स वाई, एक्स का 1 पुट करने पर वाई का 4, एक्स का 3 पुट करने पर वाई का 1, ठीक है। अच्छा अब हम लोग दूसरा वाला इक्वेशन लेते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड से देखिए, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं, 2x इक्वल टू में इन दोनों को उधर ले जाएंगे, तो 3y-10 यानी x इक्वल टू में 3y-10/2, ठीक है। चलिए अगर हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं y का वैल्यू, यहाँ मैं मान लो 2 पुट कर देता हूँ, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3×2-10 और /2, यहाँ 6 में से 10 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो -4/2 कट जाएगा, यहाँ माइनस का 2 आ जाएगा। चलिए अगर हम लोग पुट करते हैं y इक्वल टू में 4, तो x इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 3×4-10/2, तो 12 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 2 और /2 ये 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग इसके लिए भी इसका यहाँ पर एक चार्ट बना लेते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, इसके लिए भी मैं यहाँ पर इसका एक चार्ट बना लेता हूँ, ठीक है। चलिए काफ़ी है, x y, x का वैल्यू देखिए क्या आता है, -2 आता है जब 2 पुट करते हैं y के, 2 पुट करने पे x का वैल्यू -2, x का वैल्यू 4 पुट करने पे y का वैल्यू 4 पुट करने पे x का वैल्यू 1। चलिए अब हम लोग इसका यहाँ पर ग्राफ बनाते हैं। चलिए देखिए ध्यान से, ये आपका x एक्सिस मैं यहाँ ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं y एक्सिस ले लेता हूँ। चलिए देखिए ये हो जाएगा आपका x, यहाँ x डैश y, और यहाँ पर आपका y डैश, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 4 तक भी लिखते तो कोई दिक्कत नहीं है, -1, -2, -3, -4, -5, -1, -2, -3, -4। देखिए अब x का 1, y का 4, ये हो जाएगा। अच्छा आगे देखिए, x का 3, y का 1, ठीक है। तो इन दोनों से होकर जाने वाला जो लाइन होगा वो किस तरह से आएगा, इस तरह से ना आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ध्यान से देखिएगा, कुछ इसी तरह से होगा आपका, ठीक है। चलिए तो अब इसका हम लोग इक्वेशन भी यहाँ लिख देंगे। इसका इक्वेशन क्या था, इस लाइन का इक्वेशन क्या था, इक्वेशन है 3x+2y-11=0, 3x+2y-11=0। दूसरा देखिए -2+2, x का -2 y का +2,
-2 + 2 x का 1 y का 4 ठीक है। चलिए देखिए ये ना हो जाएगा, वैसे ऐसे ही लाइन जाएगा आपका ठीक है। चलिए और इसका इक्वेशन क्या है, तो इसका इक्वेशन है 3x - 2x - 3y + 10 = 0 2x - 3y + 10 = 0 यही ना है जी, 2x - 3y + 10 = 0। चलिए तो यहाँ पे इंटरसेक्ट करें तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा आपका 1 और y का वैल्यू हो जाएगा 4। अच्छा देखो दोनों लाइंस और एक्सिस से बाउंड्री रीजन ये है तो इसी को ना हमें शेडेड करना है। चलिए तो हम लोग इसको शेडेड कर देंगे पूरे इस रीजन को, समझ गया कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या कर रहा है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन ऑन द सेम ग्राफ पेपर, अच्छा एक ही ग्राफ पेपर पे दोनों को ड्रॉ करना है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल फॉर्मड बाय द टू स्ट्रेट लाइन एंड वाई एक्सिस, अच्छा इन दोनों से जो स्ट्रेट लाइन हम लोग खींचेंगे वो और वाई एक्सिस से जो बाउंडेड रीजन होगा वो जाहिर सी बात है एक ट्रायंगल होगा, और ट्रायंगल जो होगा तो उसके वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट भी हमें लिखने हैं। तो चलिए पहले हम लोग इसे सिंप्लीफाई करके एक्स वाई निकालते हैं। तो पहला इक्वेशन दिया है 2x + 3y = 12 और दूसरा इक्वेशन है x - y = 1। हम लेते हैं यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से देखिए, अगर मैं यहाँ पे x के वैल्यू की बात करूँ तो 2x = हम लोग लिख सकते हैं 12 - 3y, यानी x = में क्या आ जाएगा 12 - 3y / 2 ये ना हो जाएगा। पुट करते हैं हम लोग y = में, मान लो हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं आपका 2, तो x = में हो जाएगा 12 - 3 × 2/2, तो 12 में से 6 को सेपरेट करेंगे 6/2 कट के यहाँ पे 3 आ जाएगा ठीक है। अब फिर पुट करते हैं यहाँ पर y = में, पुट y = में 4, तो x = में हो जाएगा 12 - 3 × 4, तो 12 - 12 यानी 0 और बाई में 2 यानी कि 0 आ गया। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर एक चार्ट बना लेते हैं ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए x y, तो हमने y की जगह 2 पुट किया है तो x का वैल्यू 3, y की जगह 4 पुट किया है तो x का वैल्यू 0 ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग अगले इक्वेशन को, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड क्या है आपका x - y = 1, तो x = में क्या आ जाएगा 1 + y। पुट करते हैं y = में 1, तो x = में हो जाएगा 1 + 1 यानी कि 2। चलिए अब पुट करते हैं y = में 2, तो x = में हो जाएगा 1 + 2 यानी कि 3 ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसके लिए इसका एक चार्ट बना लेते हैं ठीक है, तो सोल्यूशन निकाल दिए काफ़ी है, इसके लिए हम लोग इसका एक चार्ट बना लेते हैं। ध्यान से देखिएगा ये x ये y, हमने y की जगह 1 पुट किया तो x का 2 आया है, y की जगह 2 पुट किया तो x का 3 आया है ठीक है। चलिए अब इसका हम लोग यहाँ पर ग्राफ बनाते हैं ठीक है। चलिए तो हमने यहाँ पे ग्राफ पेपर ले लिया है, चलिए देखिए ये आपका x एक्सिस हो गया और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ y एक्सिस ठीक है, ये मैं ले लेता हूँ y एक्सिस, x x डैश y और यहाँ पर y डैश ठीक है। 1 2 3 4 और ये यहाँ 5, इधर देखो 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5। चलिए देखिए अब आगे देखिए यहाँ x का 3 y का 2, 3 और 2 देखिए ये हो जाएगा, अच्छा 0 4, x का 0 y का 4 ठीक है। तो इन दोनों से होकर जाने वाला जो लाइन होगा ना वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, ऐसे ही ना होगा, बिल्कुल ऐसे ही होगा। इसका इक्वेशन क्या है, तो इसका इक्वेशन हम लोग के पास है ऊपर देख लीजिए 2x + 3y = 12
2x प्लस 3y इक्वल टू में 2n। दूसरा देखिए, x का 2y का 1, x का 2y का 1 और x का 3y का 2, ये हो जाएगा। तो इन दोनों से होकर जाने वाले लाइन की बात करेंगे तो कुछ इस तरह से जाएगा ना, इसी तरह से जाएगा, ये ना होगा जी? बिल्कुल यही होगा, इसको अलग कलर में कर देते हैं। तो ये आपका, इसका इक्वेशन यहाँ लिख सकते हैं x माइनस वाई इक्वल टू में 1, ही ना था इसका इक्वेशन। अच्छा, यहीं पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं 3 2 पे, तो यहाँ से हम लोग चाहें तो अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूँ तो x का वैल्यू 3 हो जाएगा, y का वैल्यू 2 हो जाएगा। अच्छा, और इससे फॉर्मड हो रहा है ये ट्रेंगल और ये भी ट्रेंगल। तो हमें कह रहा था कि लाइन और वाई एक्सिस, तो लाइन्स और वाई एक्सिस से फॉर्म हुआ यही ना ट्रेंगल है, ये वाला जो मैं सैडेड यहाँ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय लाइंस एंड वाई एक्सिस, लाइंस एंड वाई एक्सिस से फॉर्म नहीं ना ट्रायंगल है, तो इसका कोऑर्डिनेट देखो। यहाँ पर अगर मैं ए लिखता हूँ तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका 0 -1, इसे बी लिखता हूँ तो कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3 2, और इसे सी लिखता हूँ तो कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 4। ठीक है, ये ना हो जाएगा इज, यहाँ पे ट्रायंगल कौन सा फॉर्म हुआ लाइन एंड वाई एक्सिस से, इज ट्रायंगल ए बी सी विथ वर्टेक्स। वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या है? तो देखिए, ए का कोऑर्डिनेट हम लोग लिखे हैं 0 -1, बी का कोऑर्डिनेट लिखे हैं 3 2, एंड सी का कोऑर्डिनेट लिखे हैं 0 4। समझ गए ना? कोई ए बी सी इधर उधर हो सकते हैं, आप नाम यहाँ से, ए यहाँ, बी यहाँ, सी यहाँ, ए यहाँ, बी यहाँ, सी, ऐसे भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए जो ट्रायंगल फॉर्म है उसका, इन दोनों लाइंस और वाई एक्सिस से। ठीक है, और फिर हमने इसका सॉल्यूशन भी निकाल दिया। समझ गए ना? तो इस एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन इसी टाइप के दिए। तो फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक रहने देता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आए क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा, पाथ फाइंडर क्लास है छपरा, पहला है आपका पाथ फाइंडर क्लास है छपरा, दूसरा चैनल है आपका भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे इससे रिलेटेड वीडियो के लिए, सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाके सर्च करेंगे www.रविकांतसर.in, और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल के वीडियो आपको कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।